तो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक। तो भाई आज वीडियो में मैं कुछ अलग लेके आया हूँ, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। 20 रुपए के बर्गर के साथ 120 रुपए का बर्गर मैं कंपेयर करूंगा। भाई ये हमारा 20 का बर्गर है जो कि स्ट्रीट बर्गर है, जो कि गुप्ता जी से लेके आए हैं हम, हर जगह होते हैं गुप्ता जी। तो भाई दूसरी तरफ हमारे पास है 120 रुपए का बर्गर जो कि बीकानेर वाला से है। तो भाई इन दोनों कंपेयर करेंगे, बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो और आगे वीडियो में बने रहो। तो भाई सबसे पहले ये हमारा 20 रुपए वाला बर्गर जो कि सिंपल से प्लास्टिक की पैकिंग में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो भाई सबसे पहले हमको इसके अंदर मिलता है ये हमारा बर्गर जो कि नैपकिन में पैक हुआ है, उसके साथ एक ग्रीन सॉस, ये मेरी फेवरेट है, और उसके साथ रेड सॉस जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आपके लिए जरूर दिखाएंगे। तो भाई इसको कर देते हैं साइड में, पहले इस बर्गर की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आना है क्या? तो भाई इसके अंदर हमको मिलती है ये टूथपिक, इसको अंदर करते हैं। भाई ये बर्गर बहुत ज़्यादा ऑयली है। इसके अंदर हमको मिलती है एक टमाटर, एक प्याज, मेयो, पनीर, टिक्की आलू वाली, और कैबेज थोड़ी सी, और ग्रीन चटनी। भाई 20 रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया बर्गर है। तो भाई इसको पहले मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं थोड़ी सी ग्रीन चटनी ले लूँ। रेड सॉस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बीस रुपए के हिसाब से बहुत बढ़िया टेस्ट। बीस रुपए के हिसाब से इस बर्गर में कोई कमी नहीं है। तो भाई मैं थोड़ा सा यहाँ डिसअपॉइंट हुआ, इसमें ऑयल बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑयल है, बाकी बर्गर एक नंबर है। अब बढ़ते हैं 120 रुपए वाले की तरफ, इसको हम कर देते हैं साइड में। तो भाई अब बढ़ते हैं हमारा आज का राजा बीकानेर वाला बर्गर जिसकी कॉस्ट 120 रुपए है। तो भाई इसमें हमको सबसे पहले मिलता है हमारा बर्गर जो कि भाई साइज का मेरे को काफी बढ़िया लगा, वेरी बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को एक तरह से ना। और साथ में हमको इसके मिलती है दो केचप टमाटो के, और इन्होंने एक ये बिघानो का वेफर का पैकेट दिया है, बढ़िया है, ये बाद में खाएंगे। और हमारा बिल, तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बिल। इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी है 115 रुपए विद कंप्लीट सारा GST मिला के। तो भाई अब बिल को करता हूँ मैं साइड में, और अब बढ़ते हैं हमारे बर्गर की तरफ। तो भाई बर्गर पूरा सील पैक है, इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ। यार पोपट कर दिया भाई, बिल्कुल भाई, यार ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। फॉइल पेपर का यूज नहीं भाई, या मैंने का नंबर काट हुआ भाई, बिल्कुल भी, बस मैं क्या बताऊँ आपको, ये तो वही बात होगी। तो भाई अब आगे देखता, चलो यार बिल्कुल भी, मतलब ना यार मेरे तो क्या बताऊँ मैं, 120 रुपये बर्बाद, जो इसकी देखने के मामले में तो ऐसा ही लग रहा है भाई, बाकी खा के पता लगेगा, देखते हैं एक मिनट। तो भाई सबसे पहले भाई ये सबसे गलत चीज़ है, इतना बड़ा ब्रांड है बीकानेर वाला और उन्होंने ये फॉइल पेपर का यूज किया। भाई अगर बीकानेर वालों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो भाई इसको बंद करो। ये सबसे हमारे गुप्ता जी ने नैपकिन दिया था जो कि सही है, बट इसमें मेरे को इस चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा मेरे को भाई, इसकी इसमें भी बहुत ज्यादा ऑयल है। नहीं भाई आगे इसमें देखता हूँ मैं, इसके अंदर हमको क्या मिलता है देखता हूँ। इसके अंदर हमको मिलती है एक मोटी सी टिक्की, और ये दो खीरे, दो टमाटर, भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई। अब तक इसके मैंने 5 नंबर काट दिए, अगर इसके कुछ अच्छे नंबर होंगे, मतलब इसके 10 में से 5 नंबर है सिर्फ, अगर टेस्ट भी बेकार हुआ तो बिल्कुल 0 कर दूंगा मैं। तो भाई देखो ये तो वही बात होगी,
ऊंची दुकान टिक्का पकवान। तो भाई एक बार टेस्ट करते हैं। भाई टेस्ट इसका कुछ ठीक ठीक है, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। भाई इसको मैं दूंगा 10 में से सिर्फ एक नंबर। भाई गुप्ता जी को दूंगा, और मैं ये गुप्ता जी हमारे रैप हो चुके हैं, गुप्ता जी को मिलेंगे 10 में से 8 नंबर। दो नंबर मैंने इनके लिए काटे कि इसमें थोड़ी, एक नंबर काटा मैंने, इन्होंने पॉलिथीन में दिया हुआ था प्लास्टिक में, एक नंबर मैंने काटा इसमें ऑयल बहुत ज्यादा था। बाकी बीकानेर वाला तो भाई 120 रुपए अपने बर्बाद करने हैं जिसने, वो तो बीकानेर वाला का आलू टिक्की बर्गर लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा भाई कोई फायदा नहीं है। बाकी बर्गर सही है, मतलब खाने में ठीक है, बट 120 रुपए के हिसाब से बिल्कुल भाई 120 रुपए में मैं मैकडी या बर्गर किंग के 2-3 बर्गर खा सकता हूँ। क्रिस्पी वेज हो गया, मैं आलू टिक्की हो गया, ये 2-3 बर्गर आ जाएंगे, पर भाई इसमें बिल्कुल भी नहीं। बाकी कोई बात नहीं, इसको साइड में कर देते हैं। बाकी का मेरा कैमरामैन उसकी पैकिंग थी, बाहर से तो मेरे को अच्छी लगी, बट यार अंदर फॉइल पेपर यूज कर रहा है, आज के टाइम में कोई नहीं यूज करता। भाई जो 20 रुपए का वर्कर दे रहा है वो भी नैपकिन में दे रहा है, मतलब रैप करके। तो भाई इसे बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने मेरे को। एक भाई और क्या कहते, दूसरी बात ये थी उनका टेस्ट, टेस्ट बिल्कुल बकवास टेस्ट कहते हैं ना, बिल्कुल बकवास। मेरा पैसा कैसा बर्गर पड़ा खाने का मन भी नहीं खराब किया भाई, बिल्कुल भी, मतलब खाना खाने का मतलब ही नहीं। बाकी जिसको मन है कि भाई खाना खाना तो खा लो भाई। बाकी गुप्ता जी का बर्गर बढ़िया था, मजा आ गया, बट उसको आप ना ऐसा है ना, उस बर्गर में थोड़ा ऑयल ज्यादा है इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उसको। बाकी टेस्ट वाइज वो बहुत बेस्ट था। बाकी और जो बीकानेर वाला तो बिल्कुल ही बंद। मैं आगे अगर आप चाहते चीफ वैसे एक्सपेंसिव वीडियो देखने, तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बता देना, आपको मैं आगे ऐसी वीडियो देखूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।